Welcome friends, ray optics was completed and now we have to talk about wave optics. We have discussed previously also, light is basically wave, but when you see from a larger distance, it behaves like a ray. So now we'll talk of wave optics and certain terms. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट क्या होता है. वेव फ्रंट कहा जाता है लोकस ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज. सो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के वेव फ्रंट होते हैं. एक होता है स्फेरिकल. अगर एक एटम का, देखिए लाइट के शुरुआत कहां से होती है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है और जब वो वापस आता है वो एच न्यू के बराबर रेडिएशन दे देता है. अगर वो रेडिएशन विजिबल रीजन में आ जाती है तो वो लाइट बन जाती है. तो एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना और आना लाइट का बेसिकली जन्मदाता वहीं पर है. अब आप उसको जब वो निकलेगा टू डायमेंशन में, आप समझ सकते हैं तालाब में पत्थर डालिए तो सर्कल्स बनेंगे, लेकिन थ्री डायमेंशन में एक स्फीयर बन जाएगा. तो बेसिक वेव फ्रंट एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होता है. अब दूसरी बात, स्फेरिकल वेव फ्रंट के बाद बहुत से स्फीयर्स को आप पास पास रख दीजिए, जैसे दिवाली में लाइटनिंग होती है, बहुत से छोटे छोटे बल्ब बार पास पास रख दीजिए, दिवाली की लड़ी बन जाती है, वो आपको दूर से एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, तो उससे निकलने वाली लाइट आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लाएगी. अब सो बेसिकली पॉइंट वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बहुत से चीजें पास में रख दी तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया. और यदि आपने चाहे स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल दोनों केसेस में बहुत बड़ा वेव फ्रंट बनता गया तो एक समय आएगा उसका एक टुकड़ा ऑलमोस्ट प्लेन लगेगा, तो उसका नाम प्लेन वेव फ्रंट. जो लाइट बहुत दूर से आती है उसमें प्लेन वेव फ्रंट होता है. सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो प्लेन, क्योंकि बहुत दूर से आता है. अब एक बात और समझिए, वेव फ्रंट की खास बात कि वेव फ्रंट की डायरेक्शन या वेव फ्रंट जो बनता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है. जो रिश्ता इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है वही रे डायग्राम में और वेव फ्रंट्स में होता है, तो उसी प्रकार वो बनाया जा सकता है. फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट के लिए हाइगन्स ने प्रिंसिपल दिया था हमारे को कि हर वेव फ्रंट का पार्ट नया नया वेव बनाता रहेगा और उसका फॉरवर्ड एनवलप नया वेव फ्रंट बनाएगा. यह हाइगन का पॉस्टुलेट था. अब एक शब्द आप समझिए, इंटरफेरेंस, जो अब इंपॉर्टेंस लेने वाला है. हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन टर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा नीट के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इंटरफेरेंस या यंग्स डबल स्लिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अब इंटरफेरेंस को थोड़ा सा हम समझ लें. इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरमिंगलिंग ऑफ वेव्स, वेव्स मिल रही हैं आपस में. तो होता क्या है, किसी जगह पर ऐसा होगा कि क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलकर के बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा, उसका नाम हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोल देते हैं. कहीं पर क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, बिकॉज क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. राइट. अब ये हमेशा हो रहा है आपके सामने, जब भी एक से अधिक लाइट सोर्स है, कमरे में दो बल्ब है तो उनमें भी यह हो रहा है, पर हमें नजर नहीं आता. सर जब हम दो बल्ब जलाते तो हमें हर जगह ब्राइट लाइट नजर आती है, कहीं पर डार्कनेस तो नजर ही नहीं आती है. वो इसके लिए क्योंकि दोनों वेव्स जो दो अलग अलग बल्ब से निकलती हैं वो कोहेरेंट नहीं होती हैं. कोहेरेंट वेव्स का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम. अब एग्जैक्टली सेम वेव्स आप दो अलग अलग बल्ब से नहीं बना सकते, हर बल्ब का अपना हो. नीट की तैयारी आप करते हैं, बायोलॉजी आपने पढ़ा, जैसे आपसे कहा जाए कि मुझे दो डीएनए एग्जैक्टली सेम ला दीजिए, तो दुनिया में कोई दो आदमी नहीं है जिनका डीएनए सेम हो. आप तो वही कर सकते हैं कि उसी आदमी के दो अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीएनए निकाल दीजिए, वो सेम हो सकता है. सेम कोहेरेंट सोर्स कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेस से नहीं बनते, लेकिन बेसिकली मैथमेटिकली आप समझें कि उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, सेम इज प्रेफर्ड. सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, सेम वेवलेंथ.
ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ के दो लाइट सोर्सेस मिलने मुश्किल हैं, इसलिए आप एक ही सोर्स को दो टुकड़ों में बांट के कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। जब इंटरफेरेंस हो जाता है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मैंने दो शब्द बताए, जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव, जहां क्रेस्ट और ट्रफ मिलेगा वो डिस्ट्रक्टिव। लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे पास सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है। सस्टेन्ड का क्या अर्थ हुआ, सस्टेन्ड का अर्थ यह है कि जो कुछ समय तक रहे, अंग्रेजी भाषा से सस्टेन शब्द समझिए, जो कुछ समय तक रहे। और कुछ समय क्या होगा, मेरी आंख 1/10 सेकेंड में किसी एक चीज को देखती है और उसके अधिक समय तक वो चीज मेरे सामने होती है तो मैं देख पाता हूं। तो सस्टेन इंटरफेरेंस वो है जो 1/10 सेकेंड से ज्यादा समय तक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मिले या क्रेस्ट और ट्रफ मिले और 1/10 सेकेंड से अधिक समय तक रहे तो मैं उसको अपनी आंख से देख पाऊंगा। लेकिन होता क्या है, ये इतनी तेजी से बदलता है अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है। तो कोहेरेंट होने के बाद जो इंटरफेस बनता है वो हम सस्टेन्ड बना पाते हैं, मतलब वो थोड़ी देर तक रहता है। तो सस्टेन इंटरफेस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। आपको पता होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके लिए मेन माना जाता है। अब लेकिन इंटरफेरेंस हमेशा सस्टेन्ड होने के लिए कोहरेंट सोर्स होने जरूरी है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब इंटरफेरेंस और इंटेंसिटी के बारे में एक प्रिंसिपल याद रखिए कि जब भी हमारे पास एम्पलीट्यूड होते हैं, जब मैंने आपसे कहा क्रेस्ट और क्रेस्ट जुड़ेगा तो क्रेस्ट का क्या जुड़ेगा, एम्पलीट्यूड जुड़ेगा। जब बोला क्रेस्ट और ट्रफ घटेगा तो क्या होगा, क्रेस्ट वाला मतलब क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और ट्रफ का माइनस, तो एम्पलीट्यूड्स को माइनस करेंगे तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेट अवे ऐड होते हैं। पर इंटरफेरेंस किस में होने के बाद एम्पलीट्यूड जब ऐड होते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा, आपको कौन सा लाइट का एम्पलीट्यूड नजर आएगा, वो तो नजर नहीं आएगा, आपको इंटेंसिटी नजर आएगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है लेकिन उसके प्रोपोर्शनल होती है। और जब दो वेव्स मिल रही हैं तो ए और बी मान लीजिए उसके एम्पलीट्यूड्स हैं, तो उनके इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस एल्फा, वेयर एल्फा इज द फेज एंगल बिटवीन दोज टू वेव्स, उनके बीच का एंगल फाइव एल्फा। अब यहां देख सकते हैं यदि एल्फा जीरो होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए प्लस बी बन जाएगा और मिनिमम ए माइनस बी बन जाएगा। ध्यान रखना अगर आपको कहीं पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह दिया जाता है तो ए और बी दोनों एग्जैक्टली सेम है। और बहुत से प्रश्न क्योंकि वाईडीएस पर आते हैं, आपको पता होना चाहिए वाईडीएस में ए और बी दोनों सेम है। लेकिन थ्योरेटिकली हमारे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें एम्पलीट्यूड अलग अलग दिए जाते हैं। अब अभी आपको मैंने बताया इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। और जो आपके पास ये एंगल है अल्फा फेज एंगल, कई बार हमें पाथ डिफरेंस दिया जाता है। पाथ डिफरेंस का मतलब जैसे आपके पास पता है एक वेव पूरी टू एक लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है एक पूरी वेव का, लेकिन उसका फेज डिफरेंस 2π होता है। तो इसलिए हमारे पास कई बार पाथ डिफरेंस दे दिया जाएगा। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिश्ता आपके सामने लिखा है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये एक्स क्या है, इसमें पाथ डिफरेंस है। तो ये आप पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। आइए ये आपके सामने मैंने आप डायग्राम बनाकर दिखा दिए हैं। सबसे पहला देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट है, दूसरा सिलेंड्रिकल है, तीसरा प्लेन है। इन तीनों में जो एरोज नजर आ रहे हैं वो रे डायग्राम के हैं। तो मैंने आपको बताया रे डायग्राम के देखिए वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर ही हैं। तो ये वही रिश्ता है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का होता है। आइए आगे चले। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक ही सोर्स के दो टुकड़े बनाए जाते हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं। तो ऐसे सोर्सेस को रख करके जब हम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेटली आता है।
तो मैक्सिमा का फॉर्मूला एन लैम्डा डी बाई डी है, इसमें छोटा डी क्या है, दो स्लिट के बीच की दूरी, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स ने उन दो सोर्सेस को दो स्लिट से पास करा जाता है, उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, कैपिटल डी उस स्क्रीन की दूरी है जो उन स्लिट से जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं, एन हमारे पास वेरिएबल होता है 1 2 3 4। अब वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी मैक्सिमा के लिए होता है, इसमें एन को अगर आप जीरो पुट करेंगे तो हम बिल्कुल बीच का पॉइंट आता है, उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो एन की वैल्यू एक पुट करेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, एन की वैल्यू दो पुट करेंगे तो सेकंड मैक्सिमा। याद रखें सेंट्रल से ऊपर जाएंगे तो भी इस तरह मैक्सिमा मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, और नीचे आएंगे तो भी फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऊपर और नीचे का फर्क दिया हो तो याद रखिएगा उस प्रकार से होता है। दूसरी बात, अब मिनिमा के लिए, मिनिमा का फॉर्मूला 2n-1/2 लैम्डा डी बाई डी है। किसी किसी किताब में आपको 2n+1 मिल सकता है। देखो 2n+1 में n की गिनती 0 से शुरू होगी और 2n-1 में n की गिनती 1 से शुरू होगी। तो जैसे आपको पूछा गया थर्ड मिनिमा, तो आपको इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने दिया n को 3 सीधा पुट करना है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को अधिक प्रेफर करता हूं। अब देखिए सिंगल स्लिट के अंदर क्या होता है, एक ही स्लिट से निकलने वाली वेव्स, इसमें बेसिकली प्राइमरी वेव्स का नहीं बल्कि सेकेंडरी वेव्स, हाइगन के पोस्टुलेट में आपको याद होगा प्राइमरी वेव से साइड में सेकेंडरी वेवलेट निकलती हैं, तो बेसिकली इसमें सेकेंडरी वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसमें क्या है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये डी क्या है, अगेन डिस्टेंस मतलब विड्थ ऑफ द स्लिट, इसमें स्लिट बहुत छोटी नहीं है, स्लिट की अपनी चौड़ाई काफी है, तो डी स्लिट विड्थ है। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा। अब साइन थीटा क्या है, जो पॉइंट आप स्टडी कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आई रिपीट, जो पॉइंट आप स्टडी कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सेंट्रल वाली लाइन से क्या एंगल बना रहा है, तभी आप देखिए साइन थीटा को एक्स अपॉन डी लिखा। डी तो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट है और एक्स क्या है, वो दूरी, तो एक्स अपॉन डी साइन थीटा है। तो इस केस में मिनिमा का और फॉर्मूला मैक्सिमा का दिया है। ध्यान ये रहे कि जब आप इंटरफेरेंस करते हैं तो एन लैम्डा होने पर मैक्सिमा होता है, जबकि डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा होने पर मिनिमा है, माने मिनिमम और मैक्सिमा की कंडीशन उन दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है, राइट। इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी समझना है। फिर हमारे पास अगला शब्द जो इसमें महत्वपूर्ण आता है वो आता है पोलराइजेशन का। देखिए पोलराइजेशन क्या है, एक लाइट जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन, लेकिन परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन उसके पूरे प्लेन में हो सकती है। तो प्लेन में अगर हर जगह लाइट वाइब्रेट कर रही है तो वह हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब यहां एक बात और समझिए, हम अगर प्रोपेगेशन किसी लाइट वेव में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या वाइब्रेट कर रहा है, बेसिकली तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों वेक्टर वाइब्रेट करते हैं, पर हम बात इलेक्ट्रिकल वेक्टर की करते हैं। वो क्यों, क्योंकि आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताया गया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू सी माने वेलोसिटी ऑफ लाइट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसी की हम बात करते हैं। जो वेव हर जगह लाइट गुजरते हुए वो हर जगह वाइब्रेट करती, उसको मैंने एक प्लेन में रोक दिया, तो जिस प्लेन में मैंने रोक दिया अब वो पोलराइज लाइट हो गई। इसको डॉट और एरो में दिखाते हैं, डॉट का मतलब इन टू दी प्लेन वाइब्रेशन हो रही है और एरो का मतलब प्लेन के इन प्लेन। अब समझिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, जिस प्लेन में वाइब्रेशन अभी बची हुई है, माने वाइब्रेशन को वहां पर शुरू करवा दिया, उसका नाम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन उसके परपेंडिकुलर होता है जिसमें से एक भी वेव अब नहीं गुजर रही है, एक भी इलेक्ट्रिकल वेक्टर वहां से नहीं गुजर रहा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, राइट। अब जो हमारे पास अनपोलराइज लाइट आई, आपने एक पोलराइजर लगाया जो उसको पोलराइज करता है, अगर आपने अनपोलराइज को पोलराइजर में लगाया तो पोलराइजर उसको आई नॉट बाई टू मतलब इंटेंसिटी को आधा कर देता है, परंतु यदि एक पोलराइजर से लाइट निकली उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और दूसरा पोलराइजर उससे थीटा एंगल पर रखा जाए, तो दूसरे पोलराइजर से बाहर निकलने वाली लाइट की
हमारे पास इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है। आप समझ सकते हैं, थीटा को 90 कीजिए आंसर जीरो बन गया, थीटा को जीरो पुट कीजिए आंसर पूरा आ गया। यही मॉलस लॉ है। तो वो कब है, अगर एक पोलराइज लाइट से, एक पोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से निकली और दूसरा पोलराइज लाइट के लिए उसको कुछ ही एंगल पे रखा गया। अब पोलराइजेशन करने का एक तरीका हमारे पास बाय रिफ्लेक्शन भी है, तो उसमें ब्रूस्टर लॉ ने बताया और वो ये बताया कि किसी किसी समय पर हम अगर लाइट को किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर डाला जाए तो लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती है। उस केस में यदि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 हो जाए, मैंने उसी कंडीशन पे बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पोलराइज्ड। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा लॉ है। फिर हमारे पास आता है रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की। थोड़ा मैंने आपको ऑप्टिक्स में बता दिया था, थोड़ा आप यहां बता दूं आपको, ये फॉर्मूले हैं माइक्रोस्कोप के, 2 μ sin θ/λ। इसमें बेसिकली आपको नीट के लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए दोनों चीजें 1/λ पर डिपेंड कर रही हैं। अब टेलीस्कोप में जो लिखा 1.22 d, ये डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ LDDV नहीं है, ये डी क्या है, ये अपर्चर ऑफ लेंस है, माने डायमीटर ऑफ लेंस या एरिया ऑफ लेंथ, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। उसके बाद एक दूसरी चीज मैंने फिर आपको लॉ में बता दी रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड के बारे में, और इसका डायग्राम दिखा दिया। अब देखो इसमें ये अनपोलराइज लाइट, ये जो डॉट है, डॉट बता रहे हैं विद इन द प्लेन और एरो बता रहे इन द प्लेन, डॉट बता रहे इन टू द प्लेन मैंने परपेंडिकुलर प्लेन इस कागज के अंदर, और एरो बता रहे इस कागज के प्लेन में। तो यहां से देख सकते हैं आप, ये अनपोलराइज लाइट आए, यहां से भी अनपोलराइज ही निकली है लेकिन ये वाली पोलराइज हो गई है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन कैसी है, इस प्लेन के अंदर, इसलिए इसमें सिर्फ डॉट नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास वेव ऑप्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे जो नीट में आए हैं, इनको आप यूज कीजिएगा और बहुत आसानी से आपके पास मिनिमम 12 मैक्सिमम 16 कभी 20 भी नंबर आपके पास नीट में आपको मिल सकते हैं इस ऑप्टिक्स से। तो इसको जरूर जरूर और आराम से कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।